हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। गाइज मैंने सोचा कि भाई अपनी गाड़ी के साथ बहुत सारी मॉडिफिकेशन कर ली, जो कि मैंने खुद से भी कुछ की है, कुछ बाहर से भी करवाई है। तो एक कुछ मॉडिफिकेशन है जो कि अपनी गाड़ी के साथ करने वाला हूँ। उसमें भाई बहुत सारे लोग ना अपना बम्पर मॉडिफाई कराते हैं, फ्रंट रेयर या बोनेट, तो हम करने वाले हैं बोनेट के साथ मॉडिफिकेशन। एंड उसको हम कहीं बाहर से नहीं कराएंगे या कोई बोनेट चेंज नहीं करेंगे, हम उसी बोनेट को कटिंग करके मॉडिफाई करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो ना गाड़ी आपके सामने, तो यहाँ पे मैंने कुछ अभी ग्राफिक्स दिए, इसको हम बनाएंगे यहाँ पे स्कूप। अभी हम देखेंगे कि क्या करना है भाई एग्जैक्टली। पहले मैं सोच रहा था कि यहाँ पे साइड पे एक, यहाँ पे एक स्कूप, यहाँ पे, तो अब वो वाला सीन देखते हैं। या फिर एक सिंगल स्कूप बनाएंगे यहाँ के लिए, मेन के लिए, तो बनाएंगे भी कुछ ऐसा कि भाई पानी भी ना जाए अंदर और लुक भी अच्छी आए। तो अभी बोनेट खोलता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ अंदर का इनर। ये कवर ये खोल लेंगे, देन इसके बाद कटिंग होगी, वो भी देखते हैं कैसे होगी। है तो पतली सी चादर है, तो पहले इसको खोलेंगे फिर देखते हैं क्या शेप बनती है। चेक कर सकते हो आप अंदर क्या सिस्टम है इसका। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं इसको इसके अकॉर्डिंग काटूँ तो देखते हैं क्या सीन है, क्योंकि एक यहाँ पे खोल दूँगा, दो यहाँ पे, दो विंड यहाँ पे करके देखते हैं अभी फाइनल कि क्या करने वाले हैं। इसको सबसे पहले मुझे यहाँ से दो नट खोल के रिमूव करना पड़ेगा, पाइपलाइन उतारनी पड़ेगी। ये दो नट खोलने के बाद इसको डिटैच करके फिर हम इसको कटिंग करने का प्रोसेस शुरू करेंगे। इस पूरी मेजरमेंट करने के बाद ये अभी स्ट्रक्चर क्या है, सिर्फ एक सैंपल है जिसपे हम कटिंग करेंगे। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि हम कटिंग क्या करेंगे, इसको यहाँ से कट करेंगे इस वे में, देन इसको यहाँ से इधर, एंड देन इसको कट करने के बाद इसको डाउन करेंगे, एंड इसको प्रॉपर फिर वेल्डिंग करा के पूरा ओके रिपोर्ट करेंगे। बाकी आप कमेंट करके बताना भी कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा। अभी तक का जो सिस्टम है ना वो यही है। अभी ना बस डिज़ाइन का सीन है। बेसिकली सीन क्या है मैं आपको बताता हूँ, मैं नहीं चाहता कि कल को पानी जाए कहीं पे और इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आए। दिखाता हूँ आपको क्या प्रॉब्लम क्या है। सीन ये है कि भाई हमने ना यहाँ पे कटिंग करनी है और मैं चाहता हूँ कि पानी इंजन के पास या ECU के पास ना जाए, बल्कि हमारा फ़ैन या यहाँ पर आगे रेडिएटर के पास चले तो फिर भी कोई इशू नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अभी मैंने दो तीन डिज़ाइन चेंज कर चुका हूँ, अभी ये लास्ट डिज़ाइन सोच रहा हूँ कि सिंपल मैं बनाऊंगा। तो बाकी आप कमेंट करके बताना भाई कौन से वाले में अच्छा लगेगा। इसमें सिंपल ये है कि यहाँ से कटिंग होगी, देन इसको डाउन करेंगे एंड स्कूप बन जाएगा। तो कमेंट करके बताना कि ये वाला स्कूप अच्छा लगेगा या फिर खुद से बनाऊं।